नमस्कार दोस्तों। तो आज हिंदी के 9th एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम कर रहे थे संधि, तो आज हम लेके आए हैं संधि का सेकंड पार्ट। तो आज हम करेंगे संधि को कंटिन्यू। आज हम करने वाले हैं स्वर संधि के जो सब पार्ट हम कर रहे थे उसका थर्ड सब पार्ट करेंगे आज हम, ठीक है। तो कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था दीर्घ संधि, गुण संधि, दो संधियाँ हमने की थी। और हमने एक चीज़ और सीखी थी कल कि हम किस तरह से इसको निकालते हैं, ठीक है। इसको हम निकालते हैं साउंड, ठीक है। और ये होता है सेकंड, जो आपका वर्ण होता है उसका पहला अक्षर, ठीक है। तो कल हमने ये भी सीखा था कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये सब करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपका काम क्या है कि आपने सिर्फ ये सब याद करना है। तो चलिए आज हम करते हैं स्वर संधि का जो थर्ड पार्ट है, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि के जो रूल है वो कुछ इस टाइप से हैं, ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें जो आपका पहला वर्ण होगा उसका जो साउंड हमने लेना है वो होगा अ, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर अ साउंड आ रहा है और साथ में जो दूसरा वर्ण होगा उसका जो पहला अक्षर होगा या फिर पहला शब्द होगा, तो अगर वहाँ पे ए या फिर ए होगा तो जो आपका जो परिवर्तन होकर जो आपकी संधि बनेगी तो वहां पे साउंड आएगा ए का, मतलब वहां पे दो मात्राएं लगेंगी ऊपर से, ठीक है, समझ गए। अब एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इस एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। तो एग्जाम्पल है एक प्लस एक, ठीक है। तो जब हम क बोलते हैं क, तो यहाँ पे अ का साउंड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए है। तो अ प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है, अ प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है, दो मात्राएं, ठीक है। तो यहाँ पे दो मात्राएं आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या है, महा, मतलब आ का साउंड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और जो सेकंड वर्ण है इसका पहला शब्द क्या है, यहाँ पे ए है, मतलब आ प्लस ए। तो आ प्लस ए क्या होता है, ये भी दो मात्राएं, ठीक है, ए होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महा जमा ऐश्वर्य इजकल टू महेश्वर्य, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर साउंड में अ आ रहा है और उसके साथ जो आपका सेकंड वर्ण है उसका पहला अक्षर अगर ओ होगा या फिर ओ होगा, इसमें एक मात्रा है इसमें दो मात्राएं हैं, ठीक है, तो आपका जो संधि बनेगी उसमें भी ऊपर दो मात्राएं होंगी साथ में, ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे सिंपल दो मात्राएं होंगी ऊपर, यहां पे क्या होगा, यहां पे पहले एक डंडा फिर दो मात्राएं, इस तरह से होगा, ठीक है। एग्जांपल से समझेंगे इसको। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं महा, तो यहां पे साउंड क्या आ रहा है, आ प्लस पहला शब्द क्या है, यहां पे ओ, आ प्लस ओ क्या होगा, तो आ प्लस ओ क्या होगा, डंडा और दो मात्राएं, यहां पे आप देख पा रहे हैं। तो हमने इस टाइप से हमने संधि को पहचानना है और ऐसे ही आपको एग्जाम में करने हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही हमने रूल को अप्लाई करना है, कौन सा रूल बन रहा है उसका जो हमारा परिवर्तन या फिर संधि बनेगी वहां पे क्या होगा, तो वही आपने एग्जाम में सही टिक करना है, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है दो मात्राएं, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था गुण संधि, ठीक है। तो गुण संधि में क्या था, अ प्लस ई होगा तो आपका एक मात्रा होगी ऊपर, ठीक है, ए बनेगा आपका। यहां पे अगर अ प्लस ए होगा तो आपकी दो मात्राएं बनेंगी, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, समझ गए। अ प्लस ई होगा तो एक मात्रा होगी, अगर अ प्लस ए या फिर ये वाला ए, बड़े वाला ए होगा तो आपकी दो मात्राएं होंगी। उसी तरह अगर यहां पे अ प्लस उ मिलेगा आपको तो आपको एक मात्रा वाला लेना है, ठीक। यहां पे क्या है, अगर आपका अ प्लस ओ होगा, यहां पे ओ होना कंपल्सरी है, ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे ऊ है,
समझ गए? अगर अ के साथ ऊ होगा तो आपका होगा एक मात्रा वाला ओ, ठीक है। अगर अ के साथ ओ होगा तो यहाँ पे एक मात्रा और सॉरी एक डंडा और दो मात्राएं होंगी ऊपर, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये अलग है ये अलग है। तो चलिए अब हम इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं और आपको अच्छे से समझ आएगा। तो परम, तो म जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही है? यहाँ पे आ रही है अ, म, तो अ की साउंड आ रही है, ठीक है। और साथ में क्या है यहाँ पे? ओ है। अ प्लस ओ क्या होता है? ये होता है, मिल गया, क्या हो बन गया फिर यहाँ पे? परम परमोजस्वी, ठीक है। इस तरह से पहचानना है। यहाँ पे क्या है? जल, ल, अ का साउंड आ रहा है, आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओ लिखा हुआ है। तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे, कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे? अ प्लस ओ, अ प्लस ओ क्या बनेगा? बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है कि नहीं बन रहा? ठीक है, तो इस तरह से करने हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं महा, तो यहाँ पे क्या साउंड आ रही है? जल्दी बताइए क्या साउंड आ रही है यहाँ पे? आ की साउंड आ रही है। ये क्या लिखा हुआ है? ओ, तो आंखें बंद करके आपको उसी पे टिक करना है ऑप्शन में जिसके साथ डबल ओ लगा हो, मतलब दो मात्राएं लगी हो ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे लगी हुई है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो अभी आपका काम क्या है कि अभी आपने मुझे ये करके बताने हैं, एक दो और ये तीन क्वेश्चन करके बताने हैं आपको। मैं पूरा एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तीनों के तीनों निकालो, सेम सेम यही रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। तो करो इनको जल्दी से। करो करो जल्दी से करो। मत प्लस एक क्या, ठीक है। सदा प्लस एव, बन प्लस औषधि। अगर आप रूल से कर रहे हो तो एक क्वेश्चन को करने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। मत प्लस एक क्या, मत, तो यहाँ पे क्या आ रही है साउंड? अ की साउंड आ रही है, समझ गए? अ की साउंड आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना। अब आगे देखो, यहाँ पे दूसरे वाक्य का पहला शब्द क्या है? ए है, सॉरी वाक्य नहीं, वर्ण। वाक्य होता है जिसमें कि पूरी लाइन होती है, ठीक है। जैसे कि विशाल पानी पीने गया, तो ये पूरा का पूरा वाक्य हो गया। वर्ण क्या होता है? जैसे कि ये है, यहाँ पे ये देखो, ये ऐश्वर्य, ये एक वर्ण हो गया, ये दूसरा वर्ण हो गया, ठीक है। ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? वाक्य हो गया। शब्द किसको बोलते हैं? सिंगल वर्ड, ठीक है। तो ये क्या है? ये वर्ण है। तो पहले वर्ण का जो साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है? अ आ रहा है, ठीक है। और जो दूसरा वर्ण है इसका पहला अक्षर क्या है? ए है। तो बताओ क्या बनेगा इसका? अ प्लस ए होगा तो क्या होगा? ये मात्रा आएगी। बताओ क्या बनेगा इसका? मत प्लस एक क्या, मतलब मतैक्य बनेगा, मतैक्य, ठीक है। क्या बनेगा? मतैक्य बनेगा। मतैक्य बनेगा, ठीक है। अब इसको करो, सदा, तो यहां पे क्या साउंड आ रही है? आगे आ रही है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। क्या बनेगा? क्या बनेगा? सेम टू सेम यही बनेगा। क्या बना फिर? सदा प्लस एब, सदैव बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? सदैव बनेगा। दो मात्राएं आई कि नहीं आई? ये देखो आ गई ना।
तो इसी तरह से आपको ये सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करने हैं, ठीक है, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। अगर आप रूल से करते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बन साउंड क्या आ रही है बताओ, अ की आ रही है। यहाँ पे पहला अक्षर क्या है इसका, ओ है। बताओ क्या बनेगा इसका, जल्दी बताओ, मैं नहीं बताऊंगा इसका, आप बताना। बन प्लस डी क्या बनेगा इसका, आई होप आपने कर लिया होगा। तो क्या बनेगा इसका, बन अ प्लस ओ, कौन सा रूल लगा, ये लगा, ये क्या बनेगा, बनौषधि, बन प्लस औषधि। समझ गए, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, थेके? तो अभी हमने क्या पढ़ा, वृद्धि संधि पढ़ा हमने। इसके रूल कितने हैं, दो रूल हैं इसके, हो जाएंगे लर्न ना। चलो अब आगे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं इससे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट जो है हमारा यण संधि। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, वृद्धि संधि। यण संधि का हम सबसे पहले यहाँ पे रूल देखते हैं। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मैंने लिखा हुआ यहाँ पे जैसे का वैसा, जो भी यहाँ पे शब्द बनते हैं यहाँ पे, ये सभी के सभी, ठीक है, ये इन लास्ट दोनों को छोड़ के, वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सॉरी, ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वृद्धि संधि पढ़ा था। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि अ प्लस ए या फिर आ प्लस ए होगा तो वो हमारा ए की साउंड के बराबर होगा। यहाँ पे ये क्या थी, साउंड थी। साउंड जब हम इसको हम परिवर्तन करेंगे कि आपको ये यहाँ पे कैसे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ये क्या थी, ये साउंड थी, लेकिन परिवर्तन में संधि में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। किसमें, वृद्धि संधि में, लेकिन यण संधि में आपको जैसे का वैसा शब्द देखने को मिलेगा इसके एग्जाम्पल्स में या फिर संधियों में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यण संधि की बात कर रहा हूँ मैं, समझ गए। और जो जो लास्ट के दो हैं इसमें त्र की आवाज आएगी, त्र और त्रागी। ठीक है, यहाँ पे एक दो एक्सेप्शनल केस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। अगर आपको पहले वर्ण की जो लास्ट शब्द है उसका साउंड क्या होगा, ई होगा, और जो दूसरा वर्ण होगा उसका पहला शब्द अ, ठीक है, यहाँ पे ई और बड़ी ई, यहाँ पे अ और अ, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, यह बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो इसका, यदि ई ई की आवाज आ रही है यहाँ पे, यदि ई की आवाज आ रही है, आ रही है भाई, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अ है, तो ई प्लस अ क्या बनेगा आपका, ई प्लस अ क्या बनेगा आपका, यह बनेगा। तो जब हम इसको बोलेंगे यद्यपि यद्यपि, तो यह की आवाज आ रही है ना, इसको हम यही बोलते हैं, यद्य, इसको बोलते हैं हम, ये जो साइन है ना इसको हम बोलते हैं द्य, द य, तो इसमें यह पहले से इंक्लूड होता है। ठीक है, समझ गए, तो इसमें यह पहले से ही इंक्लूड होता है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर ई प्लस आ और बड़ी ई प्लस आ होगा तो ये या के बराबर होगा। ठीक है, ई प्लस अ होगा तो यह होगा, ई प्लस आ होगा तो या होगा। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, देवी प्लस आगमन, तो देवी बी का क्या आ गया, ई आ गया, बड़ी ई की मात्रा है मतलब बड़ी ई हो गई, प्लस यहाँ पे क्या है, आ है, तो ई प्लस आ मैंने आपको क्या बताया, क्या होगा, या होगा, या। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, नेक्स्ट चलते हैं। अगर ई प्लस ऊ और बड़ी ई प्लस ऊ होगा तो ये यू के बराबर होगा, यू के बराबर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, अगर अति प्लस उत्तम,
ती में से क्या आ रहा है? ई छोटी की मात्रा है, मतलब छोटी ई आएगी। यहाँ पे क्या है? ऊ है, तो ई प्लस ऊ क्या होगा? यू होगा। ये देखो एज इट इज यहाँ पे आ रहा है, एज इट इज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बाकी में क्या होता था, उसकी साउंड जो है वो साउंड नहीं आती थी, ठीक है। वहां पे आपको ए नहीं देखने को मिलेगा, वहां पे आपको देखने को मिलता था ऐसे दो मात्राएं ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एज इट इज यहाँ पे देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यण संधि में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऊ प्लस अ होगा तो ये ब के बराबर होगा। ऊ प्लस अ इजकल टू ब, ऊ प्लस आ इजकल टू बा। इसको आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों के साथ। ई प्लस अ होगा तो यह होगा, ई प्लस आ होगा तो यह होगा, ठीक है। अगर ऊ प्लस अ होगा तो ब होगा, ऊ प्लस आ होगा तो बा होगा, ठीक है। समझ गए? अ होगा तो विदाउट, अ होगा तो य, आ होगा तो या। यहाँ पे ऊ के साथ अगर, ऊ के साथ अगर अ होगा तो ब, ऊ के साथ अगर आ होगा तो बा। समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? चलिए यहाँ पे आते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। मनु प्लस अंतर क्या बनेगा? मनु, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? अ है, तो ऊ प्लस अ क्या बनेगा? ब बनेगा। तो क्या बना यहाँ पे? मनवंतर, ठीक है। ये आपका ब आ गया, समझ गए। वैसे ही अब हम देखेंगे ऊ प्लस आ का, तो देखो सु, ऊ की मात्रा आ गई, ऊ का साउंड आ रहा है ना। अब आगे देखो सु प्लस ऊ प्लस आ, ऊ प्लस आ क्या होगा? बा होगा। तो सु प्लस आगत, स्वागत, ठीक है। बा आ रहा है यहाँ पे कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना बा, समझ गए। तो इस तरह से आपको करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ऊ प्लस ए होगा तो वो बे के बराबर होगा, समझ गए। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है? य या यू, यहाँ पे क्या मिल रहा है? ब बा बे, ठीक है। इस तरह से आपको लर्न करने हैं। तो ऊ प्लस ए होगा तो वो बे के बराबर होगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, नु, अनु प्लस एशन, तो यहाँ पे नु का क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, प्लस ए। ऊ प्लस ए होगा तो क्या, मैंने आपको क्या बोला? ऊ प्लस ए होगा तो मैंने आपको क्या बोला? बे के बराबर, बे के बराबर आ गया, अन्वेषण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर त्री प्लस अ होगा तो यह त्र के साउंड करते हैं, ठीक है। पर आपको यहाँ पे त्र मिलेगा देखने को, ठीक है। अगर री प्लस आ होगा तो आपको त्रा यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको आप रहने दो, इसी को ही आप लर्न करो। री प्लस अ होगा तो त्र होगा, री प्लस आ होगा तो त्रा होगा। समझते हैं एग्जाम्पल से, पित्र, ठीक है। ये शब्द आपने, ये जो वाक्य वर्ण है ये आपने काफी बार सुना होगा, ठीक है। यहीं से ही हमारा मैक्सिमम टाइम री निकलता है, पित्र से, त्र से, ठीक है। तो री प्लस अ, री प्लस अ होगा तो क्या होगा? त्र होगा। तो पित्र प्लस अनुमति इज इक्वल टू पित्र अनुमति, समझ गए? समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे आपको करने हैं। लास्ट देखते हैं अब हम, पित्र, फिर से पित्र आ गया, यहाँ पे री आ गया, प्लस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो त्र प्लस आ, त्रा के बराबर होता है त्रा। तो मात्रानंद, मात्र प्लस आनंद, मात्रानंद। तो सारे के सारे रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बताओ हो रहे हैं ना? इसमें आपको सिर्फ एक ही बात को याद रखना है कि यहाँ पे पूरा का पूरा शब्द यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे आपको लर्न करने हैं, ठीक है। लर्न होने चाहिए, अगर लर्न नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं। लर्न आपको होंगे तभी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए करिए क्वेश्चन, करिए। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रति प्लस आघात, प्रति
प्रति प्लस आघात करिए इसको, जल्दी जल्दी करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, करिए करिए जल्दी इसको। प्रति प्लस अक्ष, इसको भी करिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा अति प्लस अंत, इसको भी करिए। सारे के सारे यण संधि के एग्जाम्पल है, ठीक है करो। अनु प्लस आया, करो करो, ये क्या है? प्रति प्लस आघात, ठीक है, प्रति प्लस आघात, प्रति प्लस अक्ष, अति प्लस अंत, अनु प्लस अय। नेक्स्ट देखते हैं, पित्त प्लस आज्ञा, करो इनको सारे। करो करो जल्दी करो। तो चलिए पहले देखते हैं, ये क्या है? प्रति प्लस आघात। तो ती से क्या आ रहा है सामने? साउंड किसकी आ रही है यहाँ पे? ई की आ रही है, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है? आ है, ठीक है। तो जब ई प्लस आ होगा तो किसकी साउंड आएगी बताइए? जब E प्लस आ होगा तो किसकी साउंड आएगी? तो E प्लस आ होगा तो क्या आएगा आपका? य आएगा, या आएगा, ब आएगा, बा आएगा, बे आएगा, री आएगा, त्र आएगा या त्र आएगा, बताइए। E प्लस आ होगा तो क्या आएगा, बनाइए। प्रति प्लस आघात, प्रत्याघात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? प्रति प्लस अक्ष, ठीक है। तो ती से क्या आ रहा है यहाँ पे? ई आ रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो ई प्लस अ क्या होगा? मैंने आपको पढ़ाया क्या होगा, ई प्लस आ अगर या होगा तो ई प्लस अ इज इक्वल टू य होगा। तो बनाइए क्या बनेगा इसका, प्रत्यक्ष। देखो अब यहाँ पे जो संधि हो रही है इसकी और इसकी हो रही है, मतलब ये जो शब्द है ये इससे पहले वाला प्र और इसके लास्ट वाला, ये एज इट इज आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्र का प्र यहाँ पे आ गया, क्ष का क्ष आ गया यहाँ पे, ठीक है। बीच में क्या बचा? य और त की आवाज यहाँ पे तो आएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो क्या बना? प्रत्यक्ष बना। समझ गए? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट करिए, अति प्लस अंत। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ई, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? अ, ठीक है। तो फिर क्या बना? फिर से सेम बना य। तो क्या संधि बनी इसकी? अ सेम का सेम यहाँ पे आ गया, लास्ट में क्या आएगा आपका? त, ठीक है। तो इनका क्या बना फिर? थोड़ा सा त आएगा यहाँ पे, ठीक है। त के थोड़ी सी त आ रही है यहाँ पे, त भी फिर क्या आएगा यहाँ पे? या बना, बन गया ना। तो इस तरह से आपको ये बनाने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे साउंड आ रही है ऊ की, यहाँ पे आ रहा है अ, तो ऊ प्लस अ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? ब। याद है ना आपको, U प्लस अ इज इक्वल टू ब, U प्लस आ इज इक्वल टू बा, ठीक है, और U प्लस ए इज इक्वल टू बे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? U प्लस अ इज इक्वल टू अ, सॉरी, U प्लस अ इज इक्वल टू ब, ठीक है। अब बनाओ इसका क्या बनेगा संधि, अनु प्लस अया, बनाओ क्या बनेगी? अ आ गया यहाँ पे एज इट इज, लास्ट का य, लास्ट का य आपको यहाँ पे लिखना है, थोड़ा सा यहाँ पे न आएगा और बो आएगा,
क्या बना अनु प्लस अय इजिकल टू अन्वय, क्या बना अनु प्लस अय इजिकल टू अन्वय। ठीक है, लास्ट करो पित्र प्लस आज्ञा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका री, यहाँ पे क्या आ गया आपका आ, ये देखो। ठीक है, तो री प्लस आ इजिकल टू त्रा के बराबर होता है। ठीक है, और री प्लस अ किसके बराबर होता है बताओ, मुझे बताओ जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे क्या है त्र है, त्रा है। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पितृ प्लस आज्ञा इजिकल टू क्या बनेगा, संधि क्या बनेगी इसकी, पित्राज्ञा। समझ गए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, यण संधि आपको समझ में आई, समझ गए ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब हम करते हैं स्वर संधि के सबसे लास्ट पार्ट को जो है आयादि संधि। स्वर संधि के कितने पार्ट थे, पांच पार्ट, अभी हम बढ़ रहे हैं पांचवा पार्ट। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इस पार्ट में मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन डालता है क्योंकि यहां पे बड़े ही कम लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक है, तो चलिए इसका नाम क्या है, आयादि संधि। आपने काफी बार कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, काफी बार एग्जाम में आई हुई है, ये भी काफी बार एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं और ये संधि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। पहला है ए प्लस अ। अब देखो ए कैसे बनता है, मतलब ए का साउंड मतलब हम कैसे पहचानते हैं, जब ए बनेगा मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे दो मात्राएं लगी हो तो यहाँ पे कौन सा साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। ठीक है, अगर एक मात्रा लगी हो तो यहाँ पे कौन सा साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऊपर दो मात्राएं लगी हो तो यहाँ पे कौन सा साउंड आ रहा है, ओ औरत वाला साउंड आ रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें ये जो चीजें हैं ये ध्यान में रखनी है ये। ठीक है, अब देखो पहले से शुरू करते हैं, ए प्लस ओ होगा तो यहाँ पे अय बनेगा। ठीक है, ए प्लस ओ होगा तो अय बनेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, ने प्लस अन तो क्या बना इसका, ए। ठीक है, एक मात्रा है ना यहाँ पे, तो मतलब ए प्लस अ। ठीक है, तो ए प्लस अ इजिकल टू अय, इसको बोलो आप कैसे बोलते हैं, इसको नयन, नयन। तो यहाँ पे अ का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, अय का साउंड आ रहा है ना, तो ने प्लस अन इजिकल टू नयन। ठीक है, कुछ लोग क्या कर देते हैं, नयन लिख देते हैं, नयन, कुछ लोग नयन कर देंगे जिनको कि ये रूल नहीं पता है। ठीक है, वो नयन कर देंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने अच्छी तरह से नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए एग्जामिनर जो है वो मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन डालता है। ठीक है, तो ने प्लस अन इजिकल टू नयन होगा, नयन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ए प्लस अ इजिकल टू आया। यहाँ पे क्या था, आया था, यहाँ पे आया है। ठीक है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक मात्रा है, यहाँ पे दो मात्राएं हैं। एग्जाम्पल समझेंगे, यहाँ पे देखो गै प्लस अक, तो यहाँ पे दो मात्राएं हैं मतलब ए हो गया। ठीक है, और ये क्या है, अ है, तो ए प्लस अ इजिकल टू क्या बनता है, आय बनता है। तो यहाँ पे क्या बना फिर, गै प्लस अ इजिकल टू, गै प्लस अक इजिकल टू गायक, तो आयक। साउंड क्या आ रही है यहाँ पे, आय की साउंड आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है ना। तो चलिए ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, ओ की मात्रा।
ठीक है, तो ओ प्लस अज इक्वल टू अब होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, अय था, यहाँ पे अब है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे, पो प्लस अन, तो ओ की मात्रा है, मतलब ओ है यहाँ पे, ठीक है, ओ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, अ है, तो ओ प्लस अज इक्वल टू क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला, ओ प्लस अज इक्वल टू अब, ठीक है। तो पो प्लस अन इज इक्वल टू पवन। अब यहाँ पे हम जब इसको बोलेंगे तो यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही है, पवन, अब न, पवन अब न, ठीक है, अब की साउंड आ रही है, आ रही है ना। तो ये जो रूल है ये यहाँ पे लग रहा है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओ, औरत वाला ओ, ठीक है, दो मात्राएं लगी होंगी ऊपर, प्लस अगर अ होगा तब भी आपका आव होगा, अगर ओ प्लस ई होगा तब भी आपका आव ही होगा। यहाँ पे क्या है, आय, यहाँ पे आव, आय अब, आय आव, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना इनमें, समझ गए। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या है, दो मात्राएं हैं और एक डंडा लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो गया, ये औ हो गया, ठीक है, प्लस ये क्या है, अ, तो क्या बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा, आव बनेगा। तो पो प्लस अक इज इक्वल टू पावक, एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, पो प्लस अक इज इक्वल टू पावक। अब जिस बंदे ने ये संधियां नहीं पढ़ी होंगी रूल वाइज, तो वो क्या करेगा, पो प्लस अक इज इक्वल टू लिख देगा वो पो वक, ऐसे लिख देगा वो, क्योंकि यहां से लग रहा है कि भाई यही होगा इसका, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल, रूल लगाओ यहां पे क्या होगा, ओ प्लस अज इक्वल टू भाई आ बनता है, तो ये मात्राएं नहीं आएंगी यहां पे, तो क्या बने, पावक बना, तो यहां पे आव का साउंड आ रहा है, यहां पे आव का साउंड यहां पे आ रहा है ना। तो रूल से जब आप करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पता चला कि सबसे पहले आपको ये रूल याद होने चाहिए, ये सारे के सारे, ठीक है। जब आप रूल याद करोगे तभी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन, करिए क्वेश्चन, सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, करके बताइए मुझे। पो प्लस अन, नौ प्लस इक, करके बताइए, फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। दो मात्राएं लगी हुई है और एक डंडा लगा हुआ है, मतलब ओ औरत वाला है, ठीक है, ओ औरत लगेगी यहाँ पे, प्लस अ, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, आव बनेगा। अब बनाऊँ इसका, मैंने आपको बता दिया भाई आव बनेगा, अब आपने बताना है कि पौ प्लस अन इज इक्वल टू क्या बनेगा, बताइए आप, अब बताओ आप इसका क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताओ, लिखो जल्दी। नेक्स्ट करता हूँ, तब तक मैं, तो यहाँ पे दो मात्राएं सेम टू सेम, औरत वाला साइन, ठीक है, प्लस ई, तो सेम टू सेम यही रूल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, आव बनेगा, इसका भी करके बताइए। पाओ प्लस अन इज इक्वल टू क्या बनेगा, नौ प्लस इक इज इक्वल टू क्या बनेगा, पाओ प्लस अन इज इक्वल टू क्या बनेगा, आव की साउंड आ रही है, मतलब पावन, तो पावन बन रहा है ना। यहाँ पे देखो, नौ प्लस इक क्या बनेगा, साउंड कैसी आनी चाहिए, आव की, ठीक है, तो ना विक, समझे ना, समझ गए। तो कैसे किए मैंने, सिर्फ यही रूल यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट किए सभी पे, सारे के सारे यही रूल मैंने यहाँ पे लगाए हैं, आपको लगाने भी आने चाहिए, ठीक है। तो आज हमने अपनी जो स्वर संधि है उसके सारे के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा, दीर्घ संधि पढ़ी, गुण संधि पढ़ी,
वृद्धि संधि पढ़ी, यण संधि पढ़ी और अयादि संधि पढ़ी। पांच संधि हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब स्वर संधि से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा, वो सारे के सारे आपने खुद करने हैं, मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा, आपने करने हैं वो सारे के सारे। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट सेकंड था, पार्ट थर्ड में हम लेके आएंगे व्यंजन संधि, ठीक है। पार्ट थ्री में हम व्यंजन संधि लेके आएंगे और इसका पार्ट फोर भी बन जाएगा, ठीक है। तो पार्ट फोर में हम विसर्ग संधि लेके आएंगे। देखो पार्ट चाहे 10 बन जाए लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, ठीक। पार्ट कोई चक्कर नहीं, पार्ट चाहे 10 बन जाए कोई बात नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए मैं अब स्वर संधि के कुछ जो मैंने आपको पार्ट पढ़ाए हैं, पांच पार्ट पढ़ाए हैं मैंने, तो इससे आपको किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा और सारे के सारे आपने सॉल्व करने हैं खुद, ठीक है। अब आप खुद को देखिए कि आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से सॉल्व करें इसको, मैं पीछे हट जाता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे स्वर संधि के जो हमने पार्ट पढ़े थे, तो ये सारे क्वेश्चन उसी के रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देवालय शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या अयादि संधि। सेकंड क्वेश्चन है, देवाचना के कौन सी संधि है, देवा प्लस चन, देव प्लस आर्चन, देव प्लस अर्चन या फिर देव प्लस आर्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, गणेश शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि। फोर्थ क्वेश्चन है, व्यर्थ शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर अयादि संधि। लास्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि या फिर दीर्घ संधि। देखो स्वर संधि या फिर दीर्घ संधि ये दोनों एक ही संधियाँ हैं, ठीक है। दीर्घ संधि को स्वर संधि भी कई बार बोल दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि। तो ये पांच क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छे से आपने सभी के सभी रूल लर्न करने हैं और ये आपको सभी के सभी सोल्व करने हैं, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में और अब हम पढ़ेंगे व्यंजन, तब तक के लिए जय हिंद।